अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताहिरा कुकिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, ये आज मेरे पेट में दर्द है तो मैं जो सफ़ेद चावल और जैसे दही के साथ सफ़ेद चावल खाऊँगी, इसलिए सफ़ेद चावल बना रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर बच्चों के लिए जो है, जैसे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो, उनके लिए आलू फ्राई करूँगी, वो आलू के साथ चावल खा लेंगे। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग, मेरा आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी, और आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। सो अब ये मैं आलू छील रही हूँ, आलू प्याज टमाटर जैसे सारी चीज़ें मिक्स करके। ये देखें गाइस, हमारे शहर में बिल्कुल तकरीबन एक हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया, ईद से पहले की बारिशें शुरू हुई हैं और अभी तक चल रही हैं, और हम जैसे लोग जो है वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनके मकान कच्चे होते हैं। और मेरा बेटा जो है वो दुआ मांगता रहता है कि हम बारिश हो जाए, तो मैं कहती हूँ बेटा, कच्चे मकानों वाले कभी भी बारिश के होने की दुआ नहीं मांगते, तो दुआ करें। मेरी छत भी गिर गई है, ये बारिश का सिलसिला कुछ कम हो, थम जाए, तो फिर जो है मैं जैसे अपनी छत का काम करवाऊँ। भाइयों को बोला हुआ है, उन्होंने कहा है कि जैसे वो कुछ पैसे देंगे जिससे मैं अपनी छत बनवाऊँगी। ये देखें, और खिड़की में से अमना बर्तन धो रही थी, आलू में छील रही हूँ, यहाँ पे चावल बन रहे हैं। चावलों को, ये सफ़ेद चावलों को दम लगा देंगे, और ये सब्ज़ी पूरी काट के फिर जो है मैं सब्ज़ी पकाऊंगी। चावल जो है वो पकवान जो तेल होता है उसमें बनेंगे बनाएं, और ये जो सालन जैसे जो मैं बना रही हूँ, ये जो है इसमें बनेंगे बनाऊंगी सरसों के तेल में। काट दी ये सब्ज़ी सारी, टमाटर प्याज हरी मिर्चें लहसुन आलू, ऑयल गरम कर लिया है सरसों का, उसमें जो है नमक डालने के बाद मेथी कलौंजी डाली है, और उसके बाद ये सारी सब्ज़ी एक साथ ही डाल देंगे और दम पे लगा देंगे। और जब बनके तैयार हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर नमक लाल मिर्चें डालेंगे। ये तैयार है गाइस, और हम आ गए दस्तरखान पर, और ये दही सफ़ेद चावल और आलू की भुजिया तैयार है। अब बैठे हुए हैं हम खाना खाने के लिए, और अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरखान को हरा भरा रखा, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब के दस्तरखान